Hi friends, so I'm going to make another video. It is related to Baleno Interior. So come on, let's have a look. This is my car. I'll make another video about its exterior. Let me just open the door. So first and foremost, you can see its interior and the look. It's overall in black, so it gives you a premium feeling, gives you a feeling of a premium car. आप सबसे पहले मैं कुछ options, कुछ features के बारे में बताऊंगा. Let me sit inside. So हम start करते हैं front door से, जिसमें आप देख सकते हैं पे बहुत सारे options हैं, जिसमें I mean, you can lock your doors from here, and you also can lock the window glasses from here. And just give me a minute. बाकी आप driver seat पे बैठ के ही चारों windows control कर सकते हैं. आप ये देखिए. इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि जो भी आपके साइड मिरर्स हैं उनको आपको मैन्युअली एडजस्ट नहीं करना होगा. इट इज ऑटोमेटिकली, सी यू कैन ओपन इट फ्रॉम इनसाइड, एंड दिस इज द जॉयस्टिक. आई मीन इफ यू वांट टू एडजस्ट इन द लेफ्ट साइड, सो आपको लेफ्ट पे करके जॉयस्टिक और आपको अकॉर्डिंगली इसको मूव करना है. सो बेसिकली फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जब आप जैसे ही बलेनो में एंटर करते हैं तो आपको इट गिव्स यू अ फीलिंग ऑफ अ प्रीमियम कार, जो कि आपको शायद मारुति की और जो कार्स हैं, हैचबैक हैं, उनमें शायद आपको नहीं मिलेगी. अभी आई हैवन ड्रिवन न्यू मारुति स्विफ्ट, सो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट्स लुक. बट अगर पुरानी डिज़ायर, नई डिज़ायर की बात करें और स्विफ्ट की बात करें और बाकी गाड़ियां हैं उनकी बात करें और बाकी मैं अदर कंपनीज की अगर हैचबैक से कंपेयर करूंगा तो आई फाइंड बलेनो बेटर देन अदर कार्स इन टर्म्स ऑफ स्पेस, इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट, कंफर्टेबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ आई मीन एवरीथिंग आई वुड से. सो देर आर फ्यू ऑप्शंस जो इसमें आप देखेंगे ड्राइवर साइड पे. यहाँ पर आपका ये पार्किंग बटन है, पार्किंग सेंसर है, फ्रॉम हेयर पार्किंग बटन है. ये आपके हेडलाइट्स के लिए है, सॉरी ये फॉग लैंप्स के लिए है. एंड इससे आप यू कैन एडजस्ट योर हेडलाइट्स बीम, लो और हाई बीम. एसी वेंट्स हैं सामने जो दिए गए हैं. इसमें ये मैं डेल्टा पेट्रोल वेरिएंट है बलेनो का, सो इसमें आपको रियर वेंट नहीं मिलेगा, एसी वेंट. और आप अगर देखोगे इसका जो स्टेयरिंग का ओवरऑल लुक है, दैट्स ब्यूटीफुल. बहुत सारे कंट्रोल्स मिलते हैं आपको स्टेयरिंग पे ही, जिससे यू कैन कंट्रोल इट. देर आर मैनी मोड्स, आप म्यूट कर सकते हैं, आप यहाँ से यू कैन इंक्रीज एंड डिक्रीज द वॉल्यूम एंड यू कैन चेंज द ट्रैक. Also, it has got a very good feature, like you can connect your phone through Bluetooth, and if you are driving and if you are getting any call, so you can directly attend your call from here. All right, ये आपका disconnect करने के लिए है, ये Bluetooth connectivity के लिए है. Overall steering wheel is also good, comfortable, and इसकी grip काफ़ी अच्छी है. और इसमें एक feature है जिसमें you can adjust the steering according to your height. I mean, आप इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं जैसे भी, however you want to drive and you feel comfortable. बाकी फिर हम बात करते हैं इसके जो मीटर है, डायल है इनका. It's also very attractive. So since it is a Delta variant, इसमें आपका ये सिंपल डायल दिया गया है, बट स्टिल इट इज़ क्वाइट इन्फॉर्मेटिव. इसमें सारी आपको डिटेल्स मिल जाती हैं, आप चेक करना चाहें तो. अभी 17.9 का जो ओवरऑल एवरेज निकाल रही है गाड़ी मेरी,
और मैं इसमें सिटी में भी ड्राइव करता हूँ, हाईवे पे भी बहुत ड्राइव किया है मैंने. बेसिकली इट इज़ अ वेरी कंफर्टेबल कार. व्हाई आई एम सेइंग दिस, आई एम सो कॉन्फिडेंट अबाउट इट, बिकॉज आई ऑलरेडी लाइक ड्रोव दिस कार फॉर 500-600 किलोमीटर्स इन वन गो विदाउट टेकिंग एनी रेस्ट. एंड आफ्टर द ड्राइविंग आई डिड नॉट फील, आई मीन एनीथिंग दैट आई एम अनकम्फर्टेबल और समथिंग लाइक दैट. बाकी इसमें कुछ सारे ऑप्शंस हैं. ये 28 डिग्री है जो आपको बाहर का टेम्परेचर बताता है, राइट. एंड ये रेंज है, आप फ्यूल आपकी गाड़ी में कितना है उसके अकॉर्डिंगली, आपकी गाड़ी कितने किलोमीटर चलेगी उसके अकॉर्डिंगली ये बताएगा आपको, आपको करंट टाइम बताता है. और यहाँ पर है, आप चेक कर सकते हैं कि आपकी गाड़ी कितने किलोमीटर चल चुकी है. सो मैं ऑलरेडी अपनी गाड़ी को 9635 किलोमीटर चला चुका हूँ और मैं थर्ड सर्विस करवा चुका हूँ. थर्ड सर्विस वैसे 10,000 किलोमीटर पे होती है, बट उससे पहले ही मैं इसको थर्ड सर्विस करवा चुका हूँ इसकी. आई मीन 9500 पे मैंने थर्ड सर्विस करवाई थी इसकी. लेट मी स्टार्ट द कार. ओके, अब हम बात करते हैं इसके एसी और अदर ऑप्शंस की. बेसिकली आप इसका अगर म्यूजिक सिस्टम जो इंफोटेनमेंट सिस्टम जो यहाँ पर दिया हुआ है, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल. मैं रात में भी वीडियो बनाऊँगा फिर. इसमें जो लाइट्स आप देखेंगे नाइट टाइम में, इट लुक्स सो अट्रैक्टिव एंड सो ब्यूटीफुल. इसमें बहुत सारे मोड्स हैं जो आपके स्टेयरिंग पे भी है मोड्स, वो आप यहाँ से अगर करना चाहें. को ड्राइवर पे सीट पे बैठा हुआ कोई भी अगर बंदा ट्रैक चेंज करना चाहता है या फिर उसको वो करना चाहता है, सॉन्ग चेंज करना चाहता है, तो वो अपने यहाँ से भी कर सकते हैं. सो दीज आर अ फ्यू मोड्स. ओवर है इसमें मीडिया, इसमें बहुत सारे मोड्स हैं. ब्लूटूथ कंट्रोल कनेक्ट कर सकते हैं. ओके, सी इट हैज़ गॉट वन ऑफ द बेस्ट फीचर दैट दिस कार हैज़ ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एंड ऑटोमेटिक एसी. सो व्हाट यू नीड टू डू इज़, आपको बार बार टेम्परेचर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. एक बार सपोज आप चाहते हैं कि 26 ही आपकी गाड़ी का टेम्परेचर रहे, तो उसको आप ऑटो पे क्लिक करके इस पर छोड़ दीजिए. अकॉर्डिंगली कार अपना अंदर का टेम्परेचर एडजस्ट कर लेगी. ये यहाँ पर रियर व्यू मिरर है जो आप एडजस्ट कर सकते हैं नाइट टाइम में, डे टाइम में, जैसे भी आप करना चाहें. और अगेन इट हैज गॉट दिस स्टोरेज जो कि सफिशिएंट है मेरे हिसाब से. और कुछ ऑप्शंस यहाँ पर हैं. सो इफ यू वांट टू यूज, इफ यू कैन सी, जस्ट गिव अ मिनट. यहाँ पर आपको चार्जर का ऑप्शन है और ये यहाँ पर ऑक्स लगा सकते हैं आप. छोटा मोटा स्टोरेज है आप अपना चार्जर रखने के लिए, फ़ोन रखने के लिए. और ये इसका जो गियर नॉब है, इट इज़ आल्सो वेरी अट्रैक्टिव. आप पिछली स्विफ्ट और डिज़ायर में और अदर कार्स में देखेंगे तो इट वॉजेंट दैट अट्रैक्टिव, बट इट इज़ वेरी अट्रैक्टिव. एंड द गियर इज ऑल्सो सो स्मूथ. सी, सो यू वुड नॉट फील के आप को कुछ प्रॉब्लम हो रही है गियर चेंज करने में, गियर शिफ्ट करने में, इट इज़ वेरी इजी. एंड यहाँ पर कुछ लाइट्स दी हुई हैं. ओवरऑल आप अगर कोई भी गाड़ी परचेज करते हैं तो सबसे पहले आप क्या देखते हैं, आप अगर जैसे ही गाड़ी में बैठते हैं तो सबसे पहले आप, मेरे हिसाब से जो मैं देखता हूं कि गाड़ी में बैठने पे आप कितना कंफर्टेबल फील करते हैं. अनदर थिंग कि गाड़ी में स्पेस कितना है. और तीसरी चीज़ है कि गाड़ी की अंदर से मतलब हाउ इट लुक्स और मटेरियल कैसे यूज़ किया गया है. तो सबसे पहले जब मैंने बलेनो खरीदी उससे पहले आई डिसाइडेड टू गो फॉर ब्रेज़ा. और ब्रेज़ा खरीदने से पहले आई डिड लॉट ऑफ रिसर्च और फाइनली मैंने सेम डे में ब्रेज़ा और बलेनो की टेस्ट ड्राइव बुक की थी, जिसमें पहले मैंने ब्रेज़ा की टेस्ट ड्राइव ली और उसके बाद मैं
फिर बलेनो की टेस्ट ड्राइव ली. सो आई फाउंड ह्यूज डिफरेंस इन इंटीरियर और कितना कंफर्टेबल यू फील व्हेन यू ड्राइव ब्रेजा इन बलेनो. सो आई रियली फाउंड बलेनो फार बेटर देन ब्रेजा. अब सबकी अपनी अपनी चॉइस है, बट बलेनो और ब्रेजा का कंपेयर करना भी आई डोंट थिंक सो इट विल बी जस्टिफाइड, बिकॉज वो आपकी कॉम्पैक्ट एसयूवी है एंड दिस इज अ हैचबैक. ओके, बट स्टिल आप देखोगे तो इसमें काफ़ी स्पेस है. आप पीछे भी देखोगे यहाँ पर तो जो लेग रूम है, मैं आपको पीछे भी बैठ के दिखाऊंगा. सो जो मेरी हाइट है, बट कोई अगर 6 फुट का बंदा भी है वो भी आराम से एडजस्ट हो जाएगा. सो आई जस्ट लेट यू नो. इसके अलावा मारुति खासकर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे भी बहुत ध्यान दे रही है. तो आप देखेंगे कि बलेनो में आई मीन बोथ साइड ड्राइवर एंड को ड्राइवर दोनों के लिए एयरबैग्स है, और मारुति ने बलेनो में और इनकी जितनी भी अब अपकमिंग कार्स आ रही हैं उसमें ABS, EBD ये सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फीचर्स दिए हुए हैं. सो आई मीन आई थिंक इट इज़ अ गुड बाय, वर्थ बाय. बाकी गाड़ी में इनफ स्टोरेज दिया गया है. आप और डोर के साइड में देखेंगे यहाँ पर बॉटल होल्डर है जिसमें आप प्रॉपरली बॉटल्स रख सकते हैं, चारों डोर्स के पास में है. और आप मेरी गाड़ी के सीट कवर्स देखेंगे, ये एडिशनली मैंने अलग से लगवाए हुए हैं मारुति से ही. जब मैंने गाड़ी निकाली थी तो कंपनी के एंड से ही, वहाँ से ही मैंने परचेज़ किए थे. ये ओवरऑल ब्लैक में है और मेरे को ये 10,000 में पड़े हैं कवर्स. और ये आर्मरेस्ट है जिसमें मैंने ये आर्मरेस्ट अलग से लगाया हुआ है. इसमें छोटा मोटा स्टोरेज है, आप कुछ भी रख सकते हैं, अपना वॉलेट वगैरह रखना हो आप रख सकते हैं. और बेसिकली आई वुड से लाइक इट इज़ नॉट दैट हेल्पफुल, रीज़न बींग कि ये कंपैरेटिवली बहुत छोटा है. तो आप को अगर इस पर अपना हाथ रखना है तो आपको अपनी सीट थोड़ी सी पीछे करनी पड़ेगी, सीट पीछे करके आपको ड्राइविंग करनी पड़ेगी, तब आप आर्मरेस्ट का यूज़ कर सकते हैं. मैं गाड़ी का आपको पीछे बैठ के लेग रूम दिखा देता हूँ कि इसमें कितना स्पेस है. सो ओवरऑल काफ़ी स्पेस है, आप देखेंगे काफ़ी स्पेस है. और इजीली इसमें 3 लोग बहुत कंफर्टेबल तरीके से बैठते हैं, और जिसमें आप 4 बिठाना चाहें तो 4 भी, बट उसमें 4 भी इतने कंफर्टेबल नहीं होंगे. बेसिकली इट इज़ अ हैचबैक विच इज़ मेड फॉर लाइक 5 पैसेंजर्स. तो 3 लोग तो पीछे सीट पे इजीली एंड कंफर्टेबल बैठ के जा सकते हैं कहीं पे भी. मैंने जो नई डिज़ायर आई हुई है उसमें भी मैं पीछे बैठ के देख चुका हूँ, 3 लोग बैठने के बाद में थोड़ा मतलब कंफर्टेबल नहीं बैठ पाएंगे डिज़ायर में. जो नई वाली डिज़ायर स्विफ्ट आई है थोड़ा सा स्क्वीज़ होना पड़ेगा, फंस के बैठेंगे और विच इज़ नॉट कम्फर्टेबल. सर डैशबोर्ड लुक देखेंगे आप, मैं आपको बताता हूँ. मैं बूट स्पेस दिखाता हूँ आपको. बूट स्पेस इज ऑल्सो इनफ. इसका 339 लीटर्स का बूट स्पेस है जिसमें आप इजीली ठीक ठाक सामान रख सकते हैं. और इसमें 60-40 स्प्लिट करने का ऑप्शन है, सीट स्प्लिट हो जाती है रियर सीट्स, जिसमें अगर आपका एक्स्ट्रा लगेज है तो आप 60-40 स्प्लिट कर सकते हैं बैक साइड वाली सीट. So it was my overall review. I would say this is a very nice car, very comfortable car, very beautiful car. और मुझे कोई भी regret नहीं है कि मैंने बलेनो choose की है. कुछ लोग बोलते हैं बलेनो की body कमज़ोर है, ऐसा है वैसा है, उसके लिए मैं एक दूसरी video बनाऊँगा and I'll let you know. But as far as my experience is concerned, it is an amazing car. If you are planning to buy it, you must buy it. Thank you so very much. Please like and subscribe.